प्रभु राम का दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, मूर्ति देखे बहुत अच्छा। पहले तो नामात्र रहते थे, अब तो यात्री बहुत आते हैं। सुने कि राम जी यहाँ से गुप्त हो गए थे। जो मेला पुन्नवासी को भीड़ रहती है एक दिन, और सभी दिन अब इस समय सभी दिन भीड़ होती है। दर्शन किए राम जी को, बहुत बहुत बढ़िया लगा हमको। बहुत अच्छा यात्री आते हैं, बहुत अच्छा दुकानदारी होती है। कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमित सरजू बसे तुले न तुलसीदास। ये अयोध्या की महिमा है। अयोध्या में अगर एक कल्प भी, एक क्षण भी कोई रह जाता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, वो जीवन के भव सागरों से पार हो जाता है। आपको बता दें, प्रभु श्री राम राजा दशरथ के यहाँ जब जन्म लिए, उसके बाद अयोध्या में उनका जिस तरीके से भक्तों के प्रति, यहाँ जो यहाँ पे जो लोग थे उस समय के, बड़ा आघात प्रेम था। लेकिन जब उनको माता कैकेयी द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिया गया, जो कि वरदान स्वरूप राजा दशरथ से उन्होंने मांगा था, तो पूरी अयोध्या उस समय रोई थी। लेकिन उसमें भी नियति थी, विधि का विधान था, वो गए, तमाम राक्षसों का वध किए, जिसमें सबसे बड़ा रावण था। रावण एक ब्राह्मण था, तो जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया तो उनको ब्राह्मण हत्या लगी थी। आज उसी ब्राह्मण हत्या से मुक्ति की जगह पे हम हैं, जिसका नाम गुप्तार घाट है। इसको पहले गौ घाट कहा जाता था। गौ घाट तब तक हुआ करता था जब तक प्रभु श्री राम अयोध्या में रहे। प्रभु श्री राम 12,000 वर्षों तक अयोध्या में रहकर यहीं से पूरे विश्व पे शासन किया और तमाम धार्मिक योजन किया, तमाम दुष्टों का संहार किया, जैसा कि आपने ग्रंथों पुराणों में पढ़ा सुना देखा है। और साथ ही साथ इस जो गुप्तार घाट, इसकी इतनी बड़ी महिमा है कि जिनके पितृ तृप्त न हो, जो जिनको तमाम दूसरी योनियों में जगह मिली हो या किसी पाप योनि में चले गए, वो अगर यहाँ आते हैं, अपने पितरों को तर्पण करते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, तो उनके पितर मुक्त हो जाते हैं। आपको बता दें, अयोध्या का गुप्तार घाट जो है वो प्रभु श्री राम के मंदिर से 14 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक 13 से 14 किलोमीटर की दूरी पे ये गुप्तार घाट है, और यहीं पे प्रभु श्री राम जब अपने धाम को जाना हुआ तो यहीं सरजू मैया, आप पीछे बह रही हूँ, आप देख रहे होंगे, इसी सरजू में जाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। उनका विमान आया, उनको वैकुंठ लोक लेके गया। उस समय प्रभु श्री राम के साथ भरत और शत्रुघ्न थे। भरत और शत्रुघ्न प्रभु के शंख थे और गदा थे, जो कि प्रभु श्री राम के साथ वैकुंठ लोक चले गए। और अयोध्या की जो प्रजा थी वो भी प्रभु श्री राम के वियोग में उनके साथ आई थी कि प्रभु जब आप जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मा जी से विनती की कि जो हमारी ये प्रजा है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काल में हमारे भक्त रहे हैं और अपनी श्रद्धा हमें प्रेम अर्पित करने के लिए हमारे साथ आए हैं, तो आप भी इन्हें वही जगह दीजिए, वैकुंठ दीजिए या स्वर्ग लोक दीजिए, इनको भी स्थान दीजिए। सभी जो प्रजा थी, जितने भी प्रभु श्री राम के भक्त थे, वो सब यही गुप्तार घाट में जाकर सरजू मैया के अंदर अपने लोक को चले गए। आपको बता दें, केवल हनुमान जी को उस समय, जब हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो, तो उन्होंने कहा, हनुमान तुम्हें यहीं रहना, अयोध्या में रहना है, और अयोध्या में रह कर तुम्हें कलयुग में जो हमारे भक्त होंगे उनकी मदद करनी है, उनकी दुख दर्द दूर करना है, और हमारी कथा प्रचार जब तक होता रहेगा तब तक तुम धरती पर रहकर हमारे भक्तों का कल्याण करोगे। अयोध्या की हनुमानगढ़ी जो है, वहीं पर प्रभु हनुमान जी जाकर विराजमान हो गए, और तब से लेकर अब तक यहाँ पर जो भक्त आते हैं, उनका जो दूर दराज में भक्त हैं, वो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हैं। हमारे साथ गुप्तार घाट के पुरोहित है, जो यहाँ पर विगत कई दशकों से पूजा पाठ कराते हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ की महिमा बताते हैं। तो आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुप्तार घाट की क्या महिमा है। ये अवध नगरी है, हमारी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, ये गुप्तार घाट इसको बोलते हैं। इसका नाम है गौ प्रकाश घाट, मगर लोग इसको गुप्तार घाट कहते हैं। और यहीं पर प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारे अयोध्या से चल कर आए थे, तब इसका नाम पड़ा है गुप्त हरि घाट। गौ प्रकाश से जब भगवान गए तब इसका नाम पड़ा है गुप्त हरि घाट। यहाँ पर अकेले राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी अयोध्या प्रजा सहित भगवान यहाँ पर आए थे। ये वो स्थान माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि भगवान जो है इससे पहले माता सीता जी
धरती में समा गई थी। उसके बाद जो है लक्ष्मण जी अपने शरीर को त्यागे थे। अयोध्या में राम घाट के बगल में लक्ष्मण घाट है, वहाँ पे लक्ष्मण जी अपने शरीर को सरजू जी में त्यागा था, तो शेषनाग के अवतार हो गए थे। बचे थे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी और पूरी प्रजा। तो यहाँ पर आए जब गौ प्रकाश घाट पे, तो भगवान ने पहले माता जी का आह्वान करते हैं, सरजू मैया का आह्वान करने के बाद जो है ये दक्षिण दिशा है, हमारे पितृलोक दक्षिण दिशा रहते हैं और भगवान पितृलोक में आए थे कुवार के महीने में, जिसको हम लोग कुवार की सर्द पूर्णिमा बोलते हैं। भगवान उस दिन यहाँ पर आए थे, उस टाइम में भगवान यहाँ। तो गणेश पांडे महाराज जी, ये जो मंदिर है इसके बारे में कुछ बताइए, इस मंदिर की क्या ये मंदिर का ये महत्व है। देखिए बताए, इसमें चार शिवलिंग है भगवान की। राम जी चार भाई थे, उन्हीं के नाम पे जो है ये चारों पिंडी की स्थापना हुई थी। क्योंकि बताते हैं लोग कि राम जी यहाँ पर पूजा किए थे, पूजा करने के बाद यहीं से भगवान विदाई लेकर गए थे, इसीलिए जो है यहाँ के जो पुजारी जी थे यहाँ पे चारों पिंडी की स्थापना करा दिए चारों भाई के नाम पे, इसलिए इसका नाम कचेरी है। और पूरा शिव परिवार है, पूरा इसमें पूरा शिव परिवार जो है, इसीलिए जो है इस मंदिर का खास माना गया। और ये अभी फाटक बंद हो गया है, राम दरबार है, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता मैया, ये राज दरबार बोला जाता है, इसके बगल में है। आप हर जगह धनुष बाण पाएंगे, मगर यहाँ पे भगवान के हाथ में धनुष बाण नहीं है, क्योंकि भगवान जब रावण को मारे थे तो उनको ब्रह्म हत्या लगी थी, धनुष बाण भगवान वहीं अयोध्या में फिर अपना अस्त्र शस्त्र त्याग के तब यहाँ पर आए थे। कुछ श्रद्धालु आए, उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? उड़ीसा से। उड़ीसा से, हाँ। इस समय गुप्तार घाट पे कुछ, हाँ। जानते हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे यहाँ समाधि लेते बोल के समझ, प्रभु समाधि लिए थे, हाँ। राम जी के अंदर घाट में, हाँ। अयोध्या खुद खूब अच्छा लगा, हम लोग देख कर गए, राम मंदिर भी दर्शन, हाँ, राम मंदिर का दर्शन हो गया। और नियम कानून बहुत अच्छा है, सब मतलब दर्शन भी अच्छा तरह से हुआ, सबका व्यवहार अच्छा था। हमको बहुत सपोर्ट मिला यहाँ, पुजारियों का, भक्तों का, होटल वाले बहुत अच्छे, हमारे आश्रम वाले, ऑटो वाले सब बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कोई ठग विद्या कुछ नहीं है, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा है, सब में भक्ति भाव सब अच्छे लगे। और हमारा, हाँ, तो आप देखें यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएँ, सारे जो होटल वाले हैं भी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, यहाँ के पुरोहित समाज भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, राम मंदिर दर्शन जाने में किसी असुविधा नहीं, किसी चीज़ का कोई गलत मांग नहीं है, किसी चीज़ की कोई ठगी विद्या नहीं है। कोलकाता से आए हुए श्रद्धालु हैं जो हमारे चैनल पर यहाँ गुप्तार घाट पर आए, अपनी बातें रखे हैं। तो ये जो अयोध्या की कहानी है ये अपने आप में सबसे बड़ी आध्यात्मिक कहानी है। प्रभु श्री राम जो हैं सनातन के सबसे बड़े आराध्य हैं। गुप्तार घाट में इस समय हमें मौके पे आप देख रहे होंगे पीछे एक मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में प्रभु के चारों विग्रह हैं, चारों भाई हैं। और साथ ही साथ अभी हमने पुरोहित समाज के जो लोग थे उन्होंने बताया कि प्रभु जब जाने लगे तो यहाँ पे एक शंकर जी का मंदिर है जो कि आप विजुअल में देख रहे होंगे, उस पर पूजा पाठ की, क्योंकि भगवान शंकर जो है वो प्रभु राम के गुरु थे। ये प्रभु राम ने जहाँ से जाने से पहले शंकर जी की पूजा की और उसके बाद सरजू जी में अंतर ध्यान हो गए। साथ ही साथ ये कहा जाता है जब प्रभु श्री राम गुप्तार घाट आए तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए उन्होंने गौ माता का पूजन किया और उनकी पूंछ को अपने सर पे लगाया, ये वही स्थान है। उसके बाद उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल गई और माता गायत्री का, तमाम जो मानव धर्म होता है उन सब का ध्यान करके प्रभु सरजू में प्रवेश कर गए। अमृत विचार से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।